नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि एनिमेशन की का आप यूज़ कैसे कर सकते हो किसी भी वीडियो या फोटो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने काइन मास्टर ऐप को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस क्रिएट नाउ के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अपने वीडियो एक्सपेक्ट रेजर को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ से मैं अपनी कोई इमेजेस बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया और इसकी हम ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं और यहाँ से फिर हम लेयर के ऑप्शन पर जाके इस मीडिया के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने इस एरोप्लेन को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये एरोप्लेन यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, तो इसको मूवमेंट कराने के लिए मुझे एनिमेशन की का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और दोस्तों ये आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग पे आपको लेयर पे इस डॉट दिख रहा होगा। अगर आप इसे बढ़ाते हो, राइट हैंड साइड इसे आप करते हो, तो यहाँ पे आपको ये प्लस का साइन दिख रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपका यहाँ पे एक डॉट लग जाता है और आपका एनिमेशन यहाँ तक ख़त्म होगा। तो आप चाहते हो इस डॉट तक आपका एनिमेशन, आपका ये एरोप्लेन कहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, तो आपका एनिमेशन यहाँ तक होगा, इस डॉट तक। जो सेकंड डॉट है आपका एनिमेशन यहाँ तक होगा। दोस्तों देखिए प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए सेकंड डॉट है, यहीं पे आपका एरोप्लेन आके रुक जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका एरोप्लेन और भी आगे जाए, तो लेयर को पहले सेलेक्ट करके इस की के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और आप इसे राइट हैंड साइड किसका ही है और यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने इस एरोप्लेन को आप जहाँ भी लेके जाना चाहते हो वहीं पे आपका एनिमेशन ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लेके आया हूँ और राइट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक और सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कोई लेयर। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक क्लाउड सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों मैं इसे एनिमेशन करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे इसे सेलेक्ट करना होगा। इस लेयर को सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से मैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पहला डॉट आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरा डॉट जो है मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा डॉट आ गया और मैं चाहता हूँ इस डॉट तक इस क्लाउड की जो एनिमेशन है वो यहाँ तक रहे। तो दोस्तों इस क्लाउड का एनिमेशन यहाँ तक रहेगा, इस डॉट तक। तो देखिए दोस्तों वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये क्लाउड यहाँ तक ही रह गया। अगर आप चाहते हो इस क्लाउड में और भी एनिमेशन, तो आप दोस्तों अपना डॉट यहाँ पे लगा सकते हैं और की के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे आप क्लिक कीजिए और आप चाहते हो कि इस क्लाउड का एनिमेशन यहाँ पे आके ख़त्म हो और इसकी साइज में भी आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, उस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको और भी एनिमेशन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने अपने यहाँ पे PNG सेलेक्ट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं ऊपर लेके जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, लेयर को सेलेक्ट करके चाबी के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे थोड़ा मैं एंड तक लेके जाता हूँ और मैं इसे प्लस के आइकॉन पर क्लिक कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा जो एनिमेशन है इस लेयर का यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आने के बाद ही ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे हवा में उड़ के जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि इसके एनिमेशन की स्पीड को आप थोड़ा कम, तो आप इसके ड्यूरेशन को आप बढ़ाओगे तो इन दोनों पॉइंटों के बीच के जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो एनिमेशन है काफ़ी
स्लो चलेगा, तो आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों। ये देखिए दोस्त, इसे आप और बढ़ा के देख सकते हैं, ये और धीरे एनिमेशन हो रहा है। जितना आप इसके पॉइंटों में डिफरेंस रखेंगे, दूरी बनाए रखेंगे, उतना आपका एनिमेशन स्लो चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक और लेयर सेलेक्ट करके कि आपका अगर आप पॉइंटों में डिफरेंस कम रखते हो, दूरी कम रखते हो, तो आपका एनिमेशन कैसा दिखता है। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, ये इस चाबी का आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे, फिर हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं हमारा एनिमेशन सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे ख़त्म हो। ऐसे हम करते रहेंगे, थर्ड एनिमेशन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो और फोर्थ एनिमेशन यहाँ, फिफ्थ ये और सिक्स्थ यहाँ हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा एनिमेशन से हो रहा है। अगर हम इसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ा देते हैं, इसको हम बढ़ा देते हैं, तो आपका एनिमेशन काफ़ी धीरे होगा। देखिए दोस्तों काफ़ी धीरे चल रही है एनिमेशन। वहीं अगर आप इसकी डिस्टेंस को अगर आप कम कर देते हो इन पॉइंटों के, तो आपका एनिमेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।